ये शादी में दोस्तों गाना गा रहे हैं और ये दोस्तों सऊदी अरब का डांस आप चेक कर सकते हैं, कितने अच्छे डांस कर रहे हैं। और ये दोस्तों ठंडी की वजह से यहाँ पे अलाव जला दिया है और आज ठंडी बहुत ज्यादा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कपिल केटीएस। दोस्तों क्या हाल है, कैसे हो, सब ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज नाइट ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम चल रहे हैं शादी में, आज सऊदी अरब की शादी दिखाता हूँ कि यहाँ पे जेंट्स की जब शादी होती है, किसी आदमी की शादी होती है सऊदी अरब में, तो यहाँ पे कैसा माहौल रहता है, कैसे क्या होता है। और जैसे अपने इंडिया में शादी होती है वही उस तरह की शादी होती है, कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके से शादी होती है। आप लोग बने रहिए वीडियो में दोस्तों, आप लोग को दिखाता हूँ। और हमने अपने कफील को, पूरी फैमिली को वहाँ पे छोड़ आया हूँ जहाँ मैरिज हॉल में। दोस्तों कोई काम होगा तो इसलिए फोन करके हमको बुलाया वहाँ पे, तो हम अभी जा रहे हैं वहीं पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम गाड़ी चला रहे हैं और वहीं पे हम शादी में जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए वीडियो, इंशाल्लाह आप लोग को शादी दिखाऊंगा कि यहाँ पे शादी कैसे होती है, यहाँ पे बेंजो बाजा बजता है कि नहीं बजता, यहाँ पे डीजे बजता है कि नहीं बजता, जो भी है इंशाल्लाह आप लोग को जरूर मैं दिखाऊंगा, आप लोग को जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज फॉलो करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये इशारा है, हम इशारा पे दोस्तों अपनी गाड़ी को करते हैं यहीं पे खड़ी, क्योंकि इशारा रेड है आप देख सकते हैं। जब ये ग्रीन होगा दोस्तों तो हम यहाँ से निकलेंगे, अपने इंडिया में इसको बोलते हैं सिग्नल, यहाँ पे रेड पे हम निकल जाएंगे दोस्तों। तो ये दे देगा फाइन मुझे, तो आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। और इसका दोस्तों ये फाइन जब रेड पे हम क्रॉस करेंगे तो ये दोस्तों बहुत तगड़ा फाइन देता है इंडिया के लिए, तो तकरीबन इंडिया का 70,000 या 75,000 रुपया इंडिया का एक बार का मुखालफा है। तो यहाँ पे 3,000 रियाल का फाइन है, 3,000 रियाल यानी इंडिया का तकरीबन बनता है तकरीबन मान लो 70,000 या 75,000 रुपए 80 के करीब में अरत प्रद यानी बनता है। मेरा मुखालफा आएगा अभी 3,000 रियाल का तो कफील छोड़ेगा नहीं, उसको तुरंत काटेगा। सो में एक या दो कफील ऐसा है कि जो नहीं काटता है, जिसे उस पैसे वाला आदमी है हर एक इंसान की मजबूरी समझता है वो, जिसे कि तो वो पैसा नहीं काटेगा, बाकी और कोई होगा तो मतलब पैसा तुरंत काट लेता है, 3,000 रियाल काट देता है। लेकिन रिक्स वाला कभी काम ना लो, क्योंकि गरे इंडिया से जो यहाँ आता है वो कमाने के लिए आता है, न कि उड़ाने के लिए आता है। सलाह दूंगा आप लोग को, यही मैं बात कहूंगा कि प्लीज जहाँ आप दूर हो, जैसे आप काफी दूर हो तो देख रहे हो कि सिग्नल जो है ग्रीन है, तो आप प्लीज उसको गाड़ी को अपनी स्लो कर लो, इस सिग्नल के पास आते आते आपका वो सिग्नल रेड हो जाएगा, तो आप ब्रेक मार के खड़े हो जाओ, लेकिन रिक्स वाला काम नहीं करो यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग देखा होगा कि रात में सऊदी अरब कैसा दिखता है, कितना खूबसूरत दिखता है, कैसे क्या है, आप लोग देखा होगा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम फाइनली मैरिज हॉल आ चुके हैं और आप लोग को आज सऊदी अरब की शादी दिखाते हैं, क्या सऊदी शहरी कैसे यहाँ पे डांस करते हैं, इंशाल्लाह आप लोग को सारी जानकारी दूंगा, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो ये दोस्तों देख सकते हैं मेरे कफील की गाड़ी यहीं पार्किंग में लगी है मैरिज हॉल की जस्ट सामने, और काफी बड़ी बड़ी गाड़ी आई है दोस्तों, काफी बड़े बड़े यहाँ के लोग आए हैं शादी में, आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी गाड़ी है ये, तकरीबन ये यहाँ 2-3 मिलियन रियाल में मिलती है गाड़ी है वो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों हम चलते हैं इसके अंदर, आप लोग को दिखाते हैं अंदर का डेकोर, सब सऊदी शहरी जो यहाँ के सऊदी शहरी हैं दोस्तों इस मैरिज हॉल के अंदर बैठे हैं, सब कोई चाय पी रहा, कोई घावा पी रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई चिमचाटी कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब हम दोस्तों फाइनली इसके अंदर चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये दोस्तों मैरिज हॉल है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सऊदी इकट्ठा सब बाराती जो हैं सारे जितने बैठे हैं दोस्तों ये बाराती हैं, हम देख सकते हैं। और मैरिज हॉल का डेकोर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह एक नंबर का डेकोर। ये मेरे आसिफ भाई भी यहीं पर मौजूद हैं, ये अपने कफील को लेकर आए हैं,
मसल आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप चेक कर सकते हो, वीडियो कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे, वीडियो भी बनाते हैं वीडियो कैमरा के। जैसे शादी में अपने इंडिया में शादी होती है तो वीडियो कैमरा वाला आता है, तो ऐसे यहाँ पे भी शादी जब होती है तो यहाँ पे भी वीडियो कैमरा लोग लेकर आते हैं शादी की तरफ से। तो सारे यहाँ पे वीडियो भी शूट होती हैं, फ़ोटो भी शूट होते हैं दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं। और कितना अच्छा यहाँ पर बराती का बैठका, यानी दोस्तों ये मेरे झाल ही, तो यहीं पर बराती बैठते हैं। माशाल्लाह साहब सब जो सारे यहाँ पे टॉप पहने हुए हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाजा बजा रहे हैं, जैसे अपने इंडिया में बेंजो बाजा होता है, तो दोस्तों वही टू कापी यहीं पे ये सिस्टम है, हाथ से बजा रहे हैं बाजा, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये। और हाथ में तलवार भी लिए हैं साथ में, यहाँ का एक कबीला का यहाँ कोई सिस्टम होगा इन लोगों का, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे उलर रहे हैं, कैसे यही सऊदी अरब का डांस है। अभी डांस आप लोग को भी दिखाएंगे दोस्तों। ये दूल्हा राजा जी, दोस्तों ये दूल्हा राजा जी आ रहे हैं, ये वीडियो कैसेट भी बन रही है, दूल्हे राजा जी हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो उधर बाजा बज रहा है दोस्तों, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं अपने लैंग्वेज में, क्या गा रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट इतना नहीं मालूम है, फुल एंजॉय यहाँ पे लोग कर रहे हैं इस टाइम। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, अरब शहरी लोग का डांस, ये दोस्तों डांस कर रहे हैं, उधर बाजा भी बज रहा है, इधर डांस भी कर रहे हैं, तो यही दोस्तों ये डांस आप देख सकते हैं। وجيت من عندنا أكرمتوناها وبيض الله وجيكم والله يحييكم ويرفع وقفكم الله يسلمك। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना आग जला के रखे हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ठंडी कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अगल बगल घर है नहीं, सिर्फ सन्नाटा एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चले, इसकी वजह से यहाँ पे अलाव जला दिया है। तो कुछ सऊदी जो आते हैं यहाँ पे खड़े होकर तापते हैं, ताप कर फिर अपने घर हट जाते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं पूरी पब्लिक बैठी हुई है, ये छोटे छोटे बच्चे लुबान सुलगा रहे हैं दोस्तों। وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي يأمرون بمعروف وينهون عن المنكر ويحكمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أنه يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم. ثاني شيء فنحن شعبا في ظل دولة ودولة تعز شعبها، وأسأل الله أنه يعزهم.
दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि सऊदी अरब कितना अच्छा डांस करते हैं, कितना अच्छा डेकोर यहाँ पे, कैसे गाना गाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो हम लोग के तो समझ ही में नहीं आ रहा कि कैसा क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस यही देख रहे हैं कि हाँ म्यूजिक बज रही है। तो दोस्तों हम चलते हैं फाइनली यहाँ से अपने रूम पे, क्योंकि कफील मेरा बोला है कि आपको रुकना है तो रुको, नहीं वरना आप अगर घर जाना है तो आप घर चले जाओ, क्योंकि ठंडी ज़्यादा है दोस्तों। तो हम बज रहे हैं दोस्तों 11, तो हम चलते हैं अभी होटल पर खाना खाएंगे। वो बोला कि 12 बजे तक यहाँ पर खाना होगा, या खाना खा के आप जाइए या फिर आप अभी चले जाइए। तो हम दोस्तों अब यही करते हैं कि ठंडी कुछ ज़्यादा है, हम चलते हैं दोस्तों होटल, उसके बाद में वहाँ पर खाएंगे खाना, फिर खाना खाने के बाद में चलेंगे दोस्तों अपने रूम पे, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ज़्यादा, ठंडी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 बजे से पहले फ़ोन नहीं आएगा, तो 2-2:30 बज जाएगा, तो जब भी ये फ़ोन करेंगे तो वापस आ जाएंगे इनको रिसीव करने। तो फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों होटल, लोग को होटल दिखाते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे होटल मिल चुका है, हम चलते हैं दोस्तों इसी के अंदर खाते हैं खाना। हम होटल के अंदर आ चुके हैं, हमने ऑर्डर भी कर दिया हूँ, आप चेक कर सकते हैं ये होटल का डेकोर। इधर रोड है, हमने ऑर्डर कर दिया हूँ खाने का, ऑर्डर अब खाना 10 मिनट में आ जाएगा दोस्तों, तो हम बैठ के खाएंगे यहीं पे, आप देख सकते हैं। चले फिर दोस्तों हम खाना खा कर फिर मिलते हैं। पानी चाहिए? पानी, हाँ पानी चाहिए। कौन सा वाला? ठंडा गरम वाला दोस्तों, देख सकते हैं मेरा खाना आ चुका है और हम खाएंगे अभी यहीं पे बैठ कर खाना, ठंडा गरम गरम सही है। अब पानी भी आ चुका है, हम खाएंगे यहीं पे दोस्तों खाना। दोस्तों फाइनली अपना खाना हो चुका, हम चल रहे हैं दोस्तों अब रूम पे, अल्हम्दुलिल्लाह पेट फुल हो चुका है, सब कुछ हो चुका, अब चलते हैं दोस्तों रूम पे, क्यों ठंडी बहुत ज़्यादा है आज का 2 दिन से ठंडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। तो हम चल रहे हैं रूम पे, अब वहाँ पे अपने रूम पे लेटेंगे बैठेंगे, फिर मैडम या कफील कोई भी फ़ोन करेगा तो आएंगे उसको लेने के लिए। बाकी तो ठंडी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मुझे रुकना अच्छी बात नहीं है यहाँ पे। तो यहीं पे दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, और क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी तो यहीं पे दोस्तों हम वीडियो को अपनी एंड करते हैं। और छोटा सा वीडियो है, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पे हो तो फेसबुक पेज फॉलो करिए कफील KTS। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।